और मैं हसौल का रहने वाला हूँ। मैं वर्षी पब्लिक हाई स्कूल कोपड़ा में 9th क्लास में पढ़ता हूँ। मेरी बहुत सी हॉबीज है, जैसे गेम, सिंगिंग, रैपिंग, डांसिंग और भी बहुत कुछ, पर मेरे को रैपिंग सबसे अच्छी लगती है। मैं एमिवे, RCR, बोहेमिया और उनके भी रैप सुनता रहता हूँ। जब मैं छोटा था तो दिल है हिंदुस्तानी पे अक्षय धवन रैप गाता था, मैं उसके रैप सुनते रहता था। तो मैंने सोचा कि मैं भी रैप करूँ, तो मैं रैप लिखता भी हूँ खुद बना के और गाता भी हूँ कभी कभी। देश विदेश में चर्चे उड़ेंगे मेरे ही नाम के पर्चे, लड़कियाँ घुमाने को रेडी हैं, करेंगे मुझ पे खुले खर्चे। ए घेरा मुझे छोरियों ने, इंडियन रशियन गोरियों ने, काम को करना दे तो बाबू बाहें पकड़ी है लेती हैं। ए प्यार जताती हैं, रूठो मनाती हैं, बाद में इनको यादें सताती हैं, करती हैं फोन रातों को, कहती हैं बेबी तेरे बिना नींद ना आती हैं। सुधर जा सुधर जा, मां समझाती है पर मैं एडिट, फिर वो मुझ पे बेलन चलाती है, मेरी करतूतों पे घोड़े लगाती है। औ नौ सारे मेरे पुठे काम, बस चलो मुझे मेरा, मैं वादा हूँ करता कुछ ऐसा करूँगा, सलाम करे दुनिया। ऐ भूलूंगा ना शौक के बाद, किसी भी टेंशन खोज में, दूध और केले के लंगर लगा दूंगा, खुश रहूँगा रोज में, मौज में मौज में यार तेरा मौज में, रातों रात में बना स्टार, अब कुड़ियाँ मेरी खोज में, मौज में मौज में यार तेरा मौज में, रातों रात में बना स्टार, अब कुड़ियाँ मेरी एवरीबॉडी, मौज में यार तेरा मौज में। स्नाइपर ले आऊँगा, तेरा फ्यूचर अब मैं बताऊँगा, पबजी में तुझे पहुँच के भिजवाऊँगा, विजन जीटी पकड़ाऊँगा। बढ़ भी लिया कर कभी, जब देखो तुम गाने 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 में क्या रखा है, इसमें क्या है ये? देखो मैं नया रैप रैपर, इसको रख के कहाँ जाएगा, क्या करेगा इसका? कॉम्पिटिशन में जाऊँगा। कौन सा कॉम्पिटिशन? के एच डी में। चलो देखते हैं। सुनाज आपको नया सुनाता हूँ जो बनना था। ट्रक लाने बोले बाइक बना ले आऊँगा, स्कार लाने बोले स्नाइपर ले आऊँगा, तेरा फ्यूचर अब मैं बताऊँगा, पबजी में तुझे पहुँच की भिजवाऊँगा, चीरो नई विजन जीटी पकड़ाऊँ, हेड शॉट लगाना तुझे मैं सिखाऊँगा, रैप लिख के तेरा बैंड बजाऊँगा, तू उल्लू मैं अपनी गेम बनाऊँगा। नमस्कार, मेरा नाम रितु है, शशांक क्यों वो मेरा बेटा है, ये पढ़ने में भी ठीक है, खेलने कूदने में भी ठीक है, घर में शरारतें करता है, अपनी सिस्टर के साथ लड़ता झगड़ता है, पापा के साथ भी ठीक है, दादा दादी के साथ भी ठीक है। एक दिन ये स्कूल गया था, वहाँ पर KKHT वाले आए थे, तो इसने घर में आकर के बोला कि मम्मा मुझे रैपिंग करनी है, तो मैंने उसको बोला कि तू रैपिंग करके क्या करेगा, बोले मम्मा एक बार कोशिश तो कर देखता हूँ। तो फर्स्ट टाइम वो नदौन में आए थे बचपन स्कूल में, तो मैं इसे वहाँ ले करके गई, तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये उस राउंड में जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। फिर सेकंड राउंड भी वहीं पर हुआ, उसके बाद इसका सभी राउंड हुआ, एक अगला राउंड, थर्ड राउंड जो हुआ ऊना में, उसके भी परफॉर्मेंस वहाँ पर अच्छी रही, वहाँ पर भी ये सिलेक्ट हो गया। फिर हमें कॉल आई कि आपका बेटा जो है वो सेमीफाइनल राउंड के लिए सिलेक्ट हो गया है, और इसका जो है वो वहाँ पर ऑडिशन जो होगा वो मोहाली में होगा, तो इसको लेकर के हम मोहाली गए। वैसे वैसे आगे बढ़ रहा है, अब ये ग्रैंड फिनाले राउंड के लिए सिलेक्ट हो चुका है। मैं आशा करती हूँ कि ये दिन रात चौगुनी तरक्की करे, अपने जो इसका सपना है वो पूरा हो। मैं इस शो के KKHT के प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर मिस्टर वरुण बंसल सर का थैंक्स करती हूँ कि जिन्होंने मेरे इस बेटे शशांक को जो वो KKHT में अपना हुनर दिखाने का मौका दिया। मैं अपनी तरफ से और अपने पूरे परिवार से उनका बड़ा बड़ा धन्यवाद करती हूँ, जो वो छोटे छोटे गांव से जा कर के स्कूलों से बच्चों को जो वो चुनते हैं और उन्हें आगे प्लेटफॉर्म में काम करने का मौका देते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम राकेश चंद चौहान, गांव हसोल, पोस्ट ऑफिस चौपाट,
तहसील देर ज्वालामुखी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से हूँ। मेरा बेटा शशांक अभी रैपिंग के लिए ग्रैंड फिनाले के लिए सेलेक्ट हुआ है। मैं ये देखता था कि ये कुछ ना कुछ करता रहता है, लेकिन बताता नहीं था कि मैं क्या करता हूँ। एक दिन इसकी मम्मी ने बताया कि ये रैपिंग करता है और इसको उसमें कंपटीशन में ले जाना है। मैंने भी इसको हाँ की कि ठीक है, अगर ये ऐसा चाह रहा है तो इसको करवाना चाहिए, हिम्मत करनी चाहिए। जैसे ये वहाँ गया, मैं भी ऊना में इनके साथ गया, तो जब देखा तो इसको काफ़ी शाबाशी मिली। जब इसने वो अपना एक्ट प्ले किया, फिर मुझे विश्वास हुआ कि हाँ हो सकता है। मैं तो ये सोचता था कि छोटा सा बच्चा है, ये कहाँ ये रैप गा सकता है। पर जैसे उसका मैंने वो सुना रैप, तो मुझे विश्वास हुआ कि नहीं, ये कर सकता है। ये अभी KKHD में ग्रैंड फाइनल में पहुंच गया है, तो हम चाहते हैं कि ये हमारा ये आगे से आगे बढ़ता हुआ इस परिवार का नाम और इस समाज का नाम, गांव का नाम और देश का नाम रोशन करे। अरे इसमें क्यों डाल रहा है, पांच ही तो आए हैं। तो क्या वो? तो क्या तो क्या पैसे क्यों नहीं दिए तूने? तो जा, मैं नहीं खेल रही। जा तू ऐसे ही करता हमेशा, मेरे को नहीं खेलना है। जा, मैं खेलूं नहीं, खेलना किसी को नहीं, कोई नहीं खेलेगा। आप भी खेलो। हाय, मेरा नाम मुस्कान है, मैं इसकी सिस्टर हूँ और ये बहुत शैतानी करता है, बहुत ज़्यादा। और ये स्टडीज में भी अच्छा ही है, अच्छा ही बोल सकते हैं, पढ़ता तो ये है नहीं, पर पता नहीं मार्क्स कैसे आ जाते हैं इसके। और ये रैप गाता रहता है, हर वक्त घर में घूम घूम के रैप गाता है। स्पेशली मेरा फ़ोन ले जाता है ये चुरा के, और फिर मुझे बताता भी नहीं है। बहुत शैतानी करता है ये, बहुत ज़्यादा, और मारता है, लड़ता है, बहुत लड़ता है ये हम सबसे। और बस ये, फिर इसको मम्मा एक दिन ये आया स्कूल से, घर आया तो इसने मम्मा को बताया कि हमारे स्कूल में आए थे KKHD से, और मतलब ऑडिशन वगैरह होंगे, तो मम्मा इसको लेके गए। फिर उसके बाद अभी ये ग्रैंड फिनाले तक पहुंच गया है। हाय, मेरा नाम वैष्णवी है और मैं इसकी कज़न सिस्टर हूँ। मुझे तो पता ही नहीं था कि ये गाता है, लेकिन सडनली एक दिन चाची जी का मैसेज आया कि ये सिलेक्ट हो गया है, तो हमें बहुत खुशी हुई कि ऐसा है। हमारे साथ तो इसकी मस्ती चलती रहती है, हम उम्र में बहुत बड़े, तो ये अफलातून है, इधर उधर घूमता रहता है। पर अभी ये सिलेक्ट हो गया है, तो हमारी बेस्ट विशेज हैं इसके साथ, अच्छा करेगा और पूरे घर में गाता ही रहता है, तो आगे भी अच्छे से गाएगा। नमस्कार, मैं शशांक की दादी हूँ। ये मेरा पोता है, सबसे छोटा पोता है और बड़ा प्यारा लाडला और शैतान भी है। और इसकी शरारतें देख कर ऐसा लगता है कि ये अच्छा बनेगा, कुछ बनके दिखाएगा। मैंने ये टीवी में देखा था, इसके बारे में देख कर तो मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे हौसला हुआ कि मैं, मेरा पोता भी ये, और अपने दादा दादी का, अपने परिवार समाज का, अपने स्कूल का नाम, अपने माता पिता का नाम रोशन करेगा। नमस्कार, मैं सुनीता दत्ता, प्रिंसिपल वर्षी पब्लिक हाई स्कूल कोपड़ा। हमारे स्कूल के एक स्टूडेंट मास्टर शशांक चौहान ने, जो क्लास 9 से है, एक शो किसमें कितना है दम में पार्टिसिपेट किया था। अब बच्चा जो है वो ग्रैंड फिनाले में पहुंच चुका है, तो इस बच्चे के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। ये बच्चा जो है वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है, और अदर एक्टिविटीज़ जैसे कंपटीशन जो हमारे स्कूल में अक्सर हुआ करते हैं, उनमें भी ये बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करता है, और गेम्स में भी बहुत आगे है। वेल बिहेव्ड बच्चा है, टीचर्स के साथ उसका बिहेव बहुत अच्छा है, और अगर फ्रेंड्स के साथ कोऑपरेटिव नेचर है उसका। मैं अपनी तरफ से इस बच्चे को ग्रैंड फिनाले के लिए
गुड विशेस देती हूँ ताकि ये इस फिनाले को जीत के आए और हमारा हमारे स्कूल का हमारे टीचर्स का और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें ऑल द बेस्ट और इस बच्चे के साथ मेरी गुड विशेस। भाग लिया है और ये ग्रैंड फिनाले में पहुंच गया है और हम चाहते हैं कि ये बच्चा जो है आगे से आगे बढ़े और ये बच्चा जो स्टडी में बहुत ही अच्छा है, स्टडी में हर एक्टिविटी में ये पार्टिसिपेट करता है और इसका जो है क्लास में टीचिंग में भी ये टीचर्स के साथ जो है कंपटीशन करता है, हर चीज में आगे बढ़ता है और इसने जो है रैप में डांसिंग में भी भाग लिया हुआ है, हर पार्टिसिपेट में इसका जो योगदान बहुत ही प्रशंसनीय रहा है तो हम चाहते हैं कि इसका जो योगदान जो है आगे से आगे बढ़े और ये डांसिंग में भी और रैप में भी आगे बढ़े ताकि जो है हमारे स्कूल का भी नाम रोशन हो और इसके पेरेंट्स का भी नाम रोशन हो और हम यही चाहते हैं कि ये बच्चा जो है हर चीज़ में आगे बढ़े क्योंकि हमारे स्कूल का मकसद ये है कि हम जो है बच्चे में ऑलराउंड डेवलपमेंट चाहते हैं, यदि बच्चा जो है उसमें ऑलराउंड डेवलपमेंट हो जाए तो हमारे काम करने का मकसद जो पूरा हो जाएगा तो हम यही चाहते हैं कि जो ये बच्चा जो है आगे से आगे बढ़े। Hi, I am Smith. I read in Bashir High School, Kobra, in 9th class. Ashank is my class fellow and Ashank is my best friend. Ashank helps the students in studies. We हम साथ पढ़ते भी हैं और खेलते भी हैं। Ashank ने किस्मत कितना है दम कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है और वो अभी ग्रैंड फिनाले में पहुंच गया है। हम चाहते हैं कि वो फर्स्ट प्राइज जीत के आए और अपने पेरेंट्स का, स्कूल का और फैमिली का नाम रोशन करें। Hi, I am Kashif from 9th class. I read in Bashir Public High School, Kopra. Shashank is my best friend. वो हमें फ्री टाइम में रैपिंग करके दिखाता है। ये रैपिंग बहुत अच्छी करता है। इसमें कितने दम ग्रैंड फाइनल में पहुँच गया है और हमें इससे यही आशा है कि यह ग्रैंड फाइनल में भी जीत कर आए और हमारे स्कूल और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। हेलो, आई एम अंकल सोनी एंड आई रीड इन बशी पब्लिक हाई स्कूल कोपड़ा इन 9th क्लास। शशांक इज माई क्लास फेलो, ही इज़ ऑल्सो माई फ्रेंड। ही इज़ नॉट ओनली गुड इन रैपिंग, ही ऑल्सो गुड इन स्टडी। वो किसमें कितना है दम एक शो है, उसमें ग्रैंड फिनाले में पहुंच गया है। ये हमारे स्कूल के लिए बहुत बड़ी बात है। वी आर प्राउड ऑफ हिम। अब हम चाहते हैं कि वो ग्रैंड फिनाले में भी जीत कर आए, हमारे स्कूल, हमारी क्लास और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करे। सो हमारी तरफ से उसके लिए बेस्ट विशेस। ऑल द बेस्ट शशांक। क्या तुझसे प्यार करते बेखेया, भूलू मैं तुझे, ये तो हुआ नहीं। रात के अंधेरे से आंखें खाली, चेहरे पे नशा, दिल बिल्कुल खाली। प्यार में घिरना बहुत ही मुश्किल, करता नहीं वादे, याद ही लगुझ दिल तोड़ा किसी ने। कैसे मैं जोड़ूंगा अगली बार, खुद को ही खो दूंगा, तेरे बिना भी ये दुनिया होगी। सोचा ही नहीं तू कहाँ खोगी, तू नहीं मेरी बातों को मोड़ा पर मैं नहीं तेरे हाथों को छोड़ा। प्यार है दर्द एक ही तो चीज, दिल पे अब ताले खो गए कीज। कोई हाथा पिटाता मैं फिट नहीं आता, नफरत भी करता फिर भी तुझको खिंचाता। मैं जो तुमसे दूर हूँ, क्यों दूर मैं रहूँ, तेरा गुरूर तू फासला मिटा, क्यों ख्वाब सा मिला, क्यों ख्वाब छोड़ दूँ। एक दिन हमारे स्कूल में KKHD की टीम आई थी, किसमें कितना है दम, तो वो बता रहे थे कि यहाँ पे आप अपना टैलेंट बता सकते हो, डांसिंग, सिंगिंग, पोएट्री, रैपिंग वगैरह। तो मैंने मम्मा को कहा कि मैंने रैपिंग करनी है, तो मम्मा मेरे को बचपन स्कूल में लेके गई। फर्स्ट राउंड मैंने वहाँ क्लियर किया, फिर मेरा सेकंड राउंड भी बचपन स्कूल में ही था, फिर थर्ड राउंड के लिए मेरे साथ पापा भी गए ऊना में और फिर सनशाइन होटल में, फिर फोर्थ राउंड जो था उसमें मेरे साथ मम्मा गई मोहाली खरड़ में एनी स्कूल। तो अभी मैं ग्रैंड फाइनल के लिए सिलेक्ट हो गया हूँ, तो मेरे को बहुत ही खुशी है कि मैं इस
मैं यहाँ इस KKHD के टीवी शो पे यहाँ तक पहुँच गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं ये जीत कर अपने परिवार वालों का नाम रोशन करूँ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.